रोज डेली राइड करता हूँ KTM के ऊपर, जो कि कहते हैं हीटिंग मशीन है, हीट बहुत ज़्यादा करती है। 2 साल से चला रहा हूँ, रेगुलर चला रहा हूँ। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं जब आपने RX 100 देखी भी नहीं होगी। अब आपको पता है उस चीज़ का कि भाई वो चीज़ अच्छी नहीं है, आप फिर भी वही लगा के घूम रहे हो, तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई है नहीं। आप चला रहे हो लीडर क्लास बाइकें और हेलमेट आपने वेगा का पहना हुआ है, एग्जॉस्ट का हेलमेट पहना हुआ है। बस एक वीडियो पड़ी हुई है, या वीडियो मैं कब से सोच रहा हूँ, 2 महीने हो गए आई थिंक मेरे को, वो गुड़गांव की वीडियो है। सब कुछ ख़त्म हो गया, वो कावासाकी ZX 10R थी और वो बंदा। तो मैं यही बात करता रहता हूँ, जो भी ये बेवकूफ़ राइडर्स होते हैं, जो भी ये चलाते हैं जिस हिसाब से ये चलाते हैं, ऑलवेज़ यूज़ 2 फिंगर्स, क्योंकि उससे आपके ब्रेक पैड जो है वो बचे भी रहेंगे। स्ट्रीट राइड कर रहे हो तो हमेशा स्ट्रीट पे, नॉट ऑन ट्रैक। हाँ, ब्रेक ब्रो, ब्रेक कहाँ, यही मैं समझाना चाह रहा था भाई, यही मैं समझाना चाह रहा था। मज़े गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, गर्मी के मज़े ले रहे होंगे। तो भाई सबसे पहले दिखा दे आज का टेम्परेचर। देखो भाई, मैंने बात कर दी, देखो मैं रोज़ राइड करता हूँ, ठीक है, तो रोज़ ना रोज़ यहाँ का स्पेशली यहाँ का टेम्परेचर जो है काफ़ी चेंज रहता है, क्योंकि यहाँ पे हरियाली बहुत है भाई, पेड़ों को बहुत फ़र्क पड़ता है भाई गर्मी के ऊपर। तो आज का टेम्परेचर है, वेदर ये रहा, तो ये है घड़ी खसरो, जगह का नाम है, 31 डिग्री सेल्सियस है। जो हेज है वो 30 डिग्री टू 45 डिग्री, लास्ट जो जाएगा 45 डिग्री जाएगा, ठीक है। यहाँ का एयर क्वालिटी है 130, ठीक है, मॉडरेट है, ज़्यादा खास नहीं है। तो ये टेम्परेचर रहेगा 32, मैक्सिमम रहेगा 42, लास्ट 42 रहेगा। ये यहाँ का वेदर फोरकास्ट है, यहाँ का है, और टाइम हो रहा है 6:12। टाइम तो आपको पता चल गया 6:12 है, और आज हम जल्दी निकल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं सीधा जिम, और जिम जा के करेंगे वर्कआउट। तो आजकल कुछ ज़्यादा काम नहीं है, मैं सोचा मैं थोड़ा अपने पे ध्यान दे लूँ। रोज़ डेली राइड करता हूँ KTM के ऊपर, जो कि कहते हैं हीटिंग मशीन है, हीट बहुत ज़्यादा करती है। मेरे को कुछ ज़्यादा हीट लगती नहीं, क्योंकि जब से मैंने इंजन ऑयल चेंज कराया, आपको पता ही है, तो इतनी ज़्यादा हीट नहीं लगती है। 2 साल से चला रहा हूँ, रेगुलर चला रहा हूँ। रेगुलर मीन्स देखो थोड़ा ऑन एंड ऑफ हो ही जाता है, लेकिन हफ्ते में 5 दिन तो तुम लगा के चलो, 1 या 2 दिन होता है ऐसा कि छुट्टी हो जाती है। इससे बढ़िया मैं आपको और कुछ बता नहीं सकता, कि डेली का राइड है मेरा 100 किलोमीटर का, ऑलमोस्ट पूरा नहीं कहूँगा 100 किलोमीटर, कभी कभी क्लासेस ज़्यादा हो जाती है तो 100 किलोमीटर हो जाता है। 80 किलोमीटर तो आप लगा लो, क्योंकि यहाँ से ही मेरा जो जहाँ मैं जाता हूँ 35 किलोमीटर दूर है, तो आप ये लगा सकते हो, वहाँ पे आसपास भी घूमूंगा, 10 किलोमीटर हो जाता है। वो सेंटर है, सेंटर वहाँ से मैं जाके फिर वहाँ पे बैग वैग रख के अपना क्लासेस के लिए निकल जाता हूँ, जो भी जहाँ का क्लासेस करानी होती है वहाँ में निकल जाता हूँ। बाकी अभी सोच रहे हैं कुछ, अगर कुछ वहाँ का बन जाए, आप लोग थोड़ी हेल्प आउट कर दो मेरी, तो वहाँ का बन जाए समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो भाई, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, भाई ऐसा मत करो, व्यूज़ नहीं आ रहे। कुछ कुछ वीडियोज़ पर इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ आया, आई नो आप लोगों को वैसा कंटेंट चाहिए, बट मेरा कंटेंट रिलेटेड है बाइक से और फिटनेस से। जो मेरा देखो, मैंने फिटनेस का पहले स्टार्ट करा था, लेकिन फिटनेस का इतना चला नहीं, लेकिन फिर से मैंने बाइकिंग का स्टार्ट किया, बाइकिंग काफ़ी हद तक अच्छा चल रहा है। मैंने सोचा कि चलो बाइकिंग पे करते हैं, डेली बाइक मैं चलाता ही हूँ, बाइकिंग के बारे में ही बात हो जाएगी आप लोगों से, और साथ ही साथ में थोड़े मज़े भी कर लेंगे। कि मेरे को बाइकिंग का शुरू से ही शौक था, और आप ये लगा लो जब बचपन से ही शौक था भाई, स्कूटर चलाता रहा, पहले चेतक स्कूटर आता रहा, वो उसी से मैंने, मतलब उससे तो नहीं, एक भैया होते थे मेरे, आजकल मेरे को पता नहीं वो कहाँ हैं, वो लेके आते थे जो हेलमेट होता था ना क्रिकेटर्स का, वो हेलमेट वो पहन के आते थे, और उनके पास थी RX 100। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं जब आपने RX 100 देखी भी नहीं होगी, अब तो एंटीक में हो गई है RX 100, RX 50, RD 350, तो ये सारी बाइकें अब थोड़ी सी एंटीक में आने लग गई है, लेकिन चल नहीं सकती रोड के ऊपर, बहुत साल पुरानी हो गई, 20-25 साल पुरानी बाइक की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने जब चलानी स्टार्ट करी थी 1999 की बात कर रहा हूँ मैं, उस वक्त वो बाइक जो थी ना, उसका जो साउंड था, माइक में तो आवाज़ नहीं आई थी, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो आवाज़ थी ना भाई, सिंगल स्प्लेंडर और डबल स्प्लेंडर थी, अल्टीमेट आवाज़ ऐसा होता ना, मधुमक्खियाँ घूम रही है खान के अंदर। मैंने नोटिस करा है भाई, मेरी आवाज़ स्लो में ज़्यादा अच्छी आ रही है, तो मैंने कहा स्लो ही चलाता हूँ जब तक आपसे बात कर रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा तेज़ चला लेंगे, ये कोई 80-90 करीब,
और टायर भाई तुम्हारे भाई ने चला दिए, आई थिंक ऑलमोस्ट 42,000 46,000 हो रही है, 13,000 में मैंने चेंज करा था, तो आप लगा लो कितना चल गया होगा। खुल दिया भाई, कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन मेरी वैसे ही गलत है बहुत। 12-13 हज़ार में मैंने चेंज करा था, ऑलमोस्ट ज़्यादा ही चल गए हैं, बहुत ज़्यादा ही चल गए हैं। अभी भी है 2-3 हज़ार किलोमीटर और चल सकते हैं, क्योंकि मेरा राइडिंग स्टाइल जो है ना बहुत सिंपल है। टॉक में यूज़ करता हूँ, 80-90 की स्पीड होती है, मैक्स मेरी 80-90 की स्पीड जाती है जब मैं डेली राइड करता हूँ। हाँ, संडे के दिन तो भाई तुम समझ लो, मैं संडे के दिन आजकल राइड इसलिए नहीं करता क्योंकि टायर्स अभी नहीं है सही उस सिचुएशन के लिए, क्योंकि जब लीन करना और उसको तेज़ चलाना तो भाई मेरे को लगता है डर, क्योंकि जब से इंसिडेंट हुए हैं जब आपको पता है उस चीज़ का कि भाई वो चीज़ अच्छी नहीं है, आप फिर भी वही लगा के घूम रहे हो, तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई है नहीं। जब आपको पता है कि भैया ये चीज़ें गलत हो सकती है मेरे साथ, चेन ठीक नहीं है, टायर ठीक नहीं है, आपका हेलमेट ठीक नहीं है, हेलमेट आप चला रहे हो लीडर क्लास बाइकें और हेलमेट आपने वेगा का पहना हुआ है, एग्जॉस्ट का हेलमेट पहना हुआ है, मतलब देखो बजट हर किसी का बजट का बात होता है, लेकिन मैं ये प्रेफर नहीं करता। अगर आपने बाइक चलानी है तो अच्छी बाइक चलाने तो अच्छे हेलमेट और अच्छे गियर्स भी पहनो उसके साथ साथ, क्योंकि भाई जब उसके साथ जब भिड़ती है ना कोई चीज़ तो बहुत अजीब होता है। मेरे पास एक वीडियो पड़ी हुई है, या वीडियो मैं कब से सोच रहा हूँ, 2-3 महीने हो गए आई थिंक मेरे को, वो गुड़गांव की वीडियो है, जब अगर वो वीडियो देख लेना, उस बंदे जो गियर्स पहने हुए हैं, मतलब देखो यार तुम इतनी महंगी बाइकें ले रहे हो और गियर्स तुम ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हो अपने ऊपर, मे बी शायद से आप बच जाओ उस स्पीड के ऊपर, लेकिन यार वो स्पीड जो थी ना, बताऊँ जैसे अगस्ते का हुआ था एक्सीडेंट, कह रहे कि स्लो स्पीड में था, टायर बस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आई डोंट नो क्या हुआ, मेरे को नहीं पता, अभी तक कुछ पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं, बट इस बंदे के साथ जो हुआ भाई स्पीड होगी आई थिंक 70-80 करीब, और वो गुड़गांव जहाँ पे हमारा साइबर हब है वहाँ जाके वो भिड़ा, और भाई क्या भिड़ा, वो बाइक का जो आगे का हैंडल होता है पूरा अलग हो गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पूरा अलग हो गया, बाइक कहाँ है उसका बाकी हिस्सा कहाँ है पता नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया, वो कावासाकी ZX10R थी, और वो बंदा भाई वो बीच में से अलग हो गया, लिटरली बीच में से अलग हो गया, उसका स्टमक जो है उसका चेस्ट से 4 उंगलियां नीचे ले लो आप, वो पूरा डायफ्राम जो होता पूरा का पूरा निकल गया है भाई। तो आप जैकेट कौन सी पहन रहे हो, जैकेट ही फट गई भाई, तो आप सोच के देखो कि कौन सी किस टाइप की जैकेट पहनी होगी उस बंदे, उसकी अपनी अभी जस्ट नई, वो उसने ZX10R निकाली थी, वो ऑफिस जा रहा था सुबह पता नहीं ऑफिस जा रहा था आई थिंक, क्योंकि वो साइबर हब की तरफ जा रहा था, और जीन्स वीन्स पहनी हुई थी, शूज़ पहने हुए थे, एंड उसने जैकेट पहनी हुई थी, राइडिंग जैकेट पहनी हुई थी, ग्लव्स पहने हुए थे, हेलमेट पहना हुआ था, हेलमेट भी आई थिंक उसने HGC का था, लेकिन HGC या AGV का ऐसी कुछ था, लेकिन हेलमेट अच्छा पहना हुआ था, आई डोंट नो हेलमेट को क्या हुआ, हेलमेट भाई क्रैक हुआ था, क्रैक मीन्स वो क्रैक तो नहीं बोलूँगा उसको, वो फटा रखा है वो साइड से, हमारी जॉ लाइन के साइड से वो फटा हुआ है, मतलब वो दिख रहा है, मतलब कि टूट गया वो पूरा, मतलब 80 की स्पीड में भाई वो हेलमेट टूट रहा है, तो भाई हेलमेट क्या, तो फिर उसने अच्छा नहीं लिया होगा। मेरा वीडियो है वैसे बना के रखी है मैंने, मैं सोच रहा हूँ इंस्टाग्राम या उस पर डालूँ, क्योंकि ये गुड़गांव की न्यूज़ में आ चुका है, जो लोकल न्यूज़ होते हैं, लोकल स्टेट न्यूज़ होती है, उनके माध्यम से मेरे को ये पता चला था। एक्चुअली मेरे किसी सर ने मेरे को भेजा था, क्योंकि उनको पता है मैं राइड करता हूँ, उन्होंने मेरे को ये वीडियो भेजी कि विवेक ये क्या हुआ है गुड़गांव में, तेरे को कुछ पता है, मैंने कहा सर मेरे को तो कुछ नहीं पता इस बारे में, वो देखते ही देखते गुड़गांव न्यूज़ की रिपोर्ट आ रही थी उसके ऊपर, उन्होंने लिंक भी भेज दिया मेरे को, मैंने वो लिंक देखा था, उसी में पता चल गया था, लेकिन बहुत बुरा हुआ है देखने में, 2 महीने की बात है भाई, 2 महीने के बाद मैं बात कर रहा हूँ इस बारे में, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था यार, अच्छा लगने वाली बात नहीं है ये, एक अवेयरनेस भी है आप लोगों के लिए कि आप जब भी राइड करो आप गियर्स अच्छे पहनो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बाइक कैसी हो आपके पास, राइडिंग गियर्स अच्छे होंगे, इम्पैक्ट रेशो अच्छा होगा उसका, आप अपने चहेतों के पास आप पहुंच सकोगे। तो मैं यही बात करता रहता हूँ, जो भी ये बेवकूफ़ राइडर्स होते हैं, जो भी ये चलाते हैं जिस हिसाब से ये चलाते हैं, आप लोग सही तरीके से चलाओ अच्छा रहेगा, थोड़ा देख के ही चलाओ, बच्चों को दोगे बाइक, वैसे तो देनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बच्चों को देते हो बाइक तो भाई बच्चे भी थोड़ा आजकल दूसरे जो राइडर्स है उनको देख के ज़्यादा जोशीले बन जाते हैं, वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं रोड के ऊपर, वो ख़तरनाक होती है बहुत ज़्यादा, वो जो इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों के ऊपर, देखो आप स्टंट मार रहे हो ठीक है, लेकिन आप पहले क्लेम कर दो, क्योंकि आप ही के ऊपर बात आ जाएगी कि आपकी वीडियो देख देख के उसने स्टंट मारा है, तो भाई और ऐसी जगह मारो जहाँ पे खाली हो, ऊपर कभी मत मारो,
रोड के ऊपर कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, अगर आप खाली जगह में मारोगे चलो छोटे मोटे लगेगी स्टंट वंट में, ठीक है आप घिस जाओगे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर रोड में मारोगे और कोई गाड़ी आ रही होगी और कल को वो उस गाड़ी से टकरा गए गिरने के बाद, तो भाई बचने का नाम नहीं है आपका, नाम निशान मिल जाएगा भाई आपका। तो स्टंट तो भाई बिल्कुल मत मारो, रोड के ऊपर खाली जगह में मारो बेस्ट है, मैं तो यही सलाह दूंगा आपको, आपने सीखना है खाली जगह सीखो, तो इम्पैक्ट जो था खाली में वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा रोड के ऊपर, तो ये ध्यान रखना। अब मैं भी अपने इंजॉयमेंट के लिए चलाता हूँ बाइक, कभी कभार तेज़ चलाता हूँ कभी कभार स्लो चलाता हूँ, ध्यान से चलाओ भाई, बहुत ही मेरे को बहुत बुरा लगता है जब कोई राइडर ऐसे ठुकता है या गिरता है, बहुत गंदा लगता है मेरे को गंदा इसलिए नहीं कि बाइक राइडर है वो है, मुझे गंदा इसलिए लगता है कि भाई वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, कोई भी हो, गंदा वो लगता है, तो इसलिए ध्यान से राइड करो एंड चलते हैं भाई, काफ़ी देर से बात हो गई है, पहुँचते हैं सीधा एंड अपना गाना लगाता हूँ, बहुत मज़ा आएगा सुबह सुबह, जय सूर्य देवता। भाई ये GoPro फेल हो चुका है, ये काम नहीं कर रहा ढंग से, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में एंड गाने का मज़ा लूँ, क्योंकि सुबह सुबह गाना है सुनना बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, सी यू देयर, मिलते हैं आपसे जिम में। जय श्री राम जय हनुमान। तो यहाँ का ये ISBT में प्राचीन मंदिर है भाई, ट्यूसडे भाई यहाँ पे भीड़ लगती है, लोग आते हैं यहाँ पे, दिन में ही भीड़ होती है, हर ट्यूसडे वाले दिन भीड़ मिलती है यहाँ पे, ट्रैफिक भी हो जाता है, फिर लोग आते हैं, गाड़ियाँ जो होती है बाहर खड़ी होती है, तो उसकी वजह से और मज़ा आ रहा भाई 80 की स्पीड में, हाँ 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 यहाँ पे बम्प आएंगे भाई, अब तो मुझे रास्ता भी याद हो गया यहाँ का, बम्प 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 गियर डाउन भाई, नो झटका, मैच देख रहे हो, रेप मैच देख रहे हो भाई का, प्रैक्टिस 2-2.5 साल से चला रहा तो प्रैक्टिस तो होगी ना, 82 में चल रही है, अब देखो खाली रोड है, मेरी स्पीड यही रहेगी 80-90, बस 90 में छटक है लगाता हूँ, वरना मैं लगाता ही नहीं हूँ भाई, कोई मतलब ही नहीं बनता लगाने का, मैं वैसे भी मैं चलाता ही 80 पे हूँ इस रोड पे, क्योंकि रोड नहीं है ये, रोड ऐसे है, स्मूथ है ही नहीं रोड भाई, पता ही नहीं चल रहा मेरे को, बम्प फील हो रहे हैं भैंस की यहाँ, लेकिन इसमें पैचेस भी पड़े हुए हैं, यहाँ पे जो बीच में गैप पड़ा हुआ है इसका वहाँ पे पैचेस भी है भाई, ये देखो। अब ये बाइक वाले के लिए बहुत ख़तरनाक है, जो लाइन पूरी बनी हुई है, जो वाइट लाइन तो बनी हुई है पूरी, बहुत ख़तरनाक है भाई, टायर डिसबैलेंस हो सकता है, मेरे आंखों के सामने हुआ है तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ऑलवेज यूज़ 2 फिंगर्स, क्यों? क्योंकि उससे आपके ब्रेक पैड्स जो है वो बचे भी रहेंगे, लॉन्ग लास्टिंग भी रहेंगे, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा ब्रेक्स के ऊपर, तो आपको लग रहा है कि भैया ब्रेक मारनी है तो आप वहीं से मारना स्टार्ट करो, वेट मत करो, वेट करोगे तो भाई वेट करते रह जाओगे, आपका वेट हो जाएगा आपका, तो इसलिए भाई हमेशा ये यहाँ पे रखो और ये यहाँ पे, जिनके अंदर क्विक शिफ्टर नहीं है भाई वो यहाँ पे, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे ऐसे हमेशा, तो कुछ सेकंड में ही आप जैसे ही आप रेस डाउन करोगे आप पहुँच जाओगे ब्रेक के पास, ये काम आता है जब भी आप स्ट्रीट राइड कर रहे हो, तो हमेशा स्ट्रीट्स पे नॉट ऑन ट्रैक, आपको ट्रैक के पूरा हाथ यूज़ करना ही पड़ेगा, नॉट ऑन ट्रैक, जब भी आप स्पीड पर राइड कर रहे हो तो आपकी 2 फिंगर्स जो है हमेशा इसके पास होनी चाहिए, जैसे ही क्योंकि जैसे ही आप रेस कम करोगे आपकी फिंगर्स जो है ड्रैग करके उसको पकड़ने के लिए आगे आ जाएगी, यहाँ से इस तरह से ऐसे रखना बहुत ही दिक्कत होती है, इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने भी देखी थी, आड़ तो वो उनको फॉलो करते कि नहीं करते, बट हाँ ये प्रैक्टिकली अच्छा है, और आगे हमेशा नज़र होनी चाहिए, कम से कम 100 मीटर 200 मीटर तक आपकी नज़र होनी चाहिए अगर आप तेज भी चला रहे हो तो, इससे आप ब्रेकिंग और साथ में आप अपना रिस्पांस भी देख सको। हाँ ब्रेक ब्रो ब्रेक कहाँ, यही मैं समझाना चाह रहा था भाई, यही मैं समझाना चाह रहा था, मज़े ख़राब कर देती है भाई ज़िंदगी, ज़्यादा मज़े ख़राब कर देती है ज़िंदगी भाई, ज़्यादा मज़े लेने ही नहीं है, अब मैं एक स्पीड में क्रूज कर रहा था, लेकिन भाई अगर दिक्कत हो जाती तो मैं भेज जाता, वो जानबूझ के करा था मैंने, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ज़्यादा इस मज़े में चलाओगे तो ये मज़ा ख़राब भी हो सकता, फिर आप ज़िंदगी भर के लिए मज़े नहीं ले सकोगे, समझ रहे हो? ग्रेट पावर ग्रेट थॉटल ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक चीज़ ऐड कर दिए, थॉटल दो ब्रेक के दो, वरना उसका नुकसान आपको भी हो सकता है और सामने वाले को भी हो सकता है। भाई बेसिकली अब हम पहुंच गए हैं अपने जिम में, और लाइटिंग थोड़ी ऐसी सी होगी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मम्मी ने भेजी गट्टे की सब्जी, चावल दाल भिंडी रोटी सैलेड और एक सेब,
उसमें से सिर्फ खाएंगे अभी एक से, फिर उसका वर्कआउट करेंगे क्योंकि आज मैंने बुलाया नहीं अपने क्लाइंट को, और फिर उसका उसको कॉल करेंगे, वो आ जाएंगे 10 बजे तक, मैंने बुला लूँगा उनको, और 10 बजे फिर उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे एक सेशन और है वो करवाएंगे, फिर उसके बाद फिर हम सीधा घर जाएंगे। तो आज का प्लान यही है, 5 बजे उठ गया था, 5 बजे मैं नीचे, 5:30 बजे तक टाइम हो गया था, 6:15 बजे तक मैं निकल गया था, और अभी 7 बजे है, लगे हुए लोग जिम के अंदर वर्कआउट करने में सुबह सुबह। मेरे को भी सुबह सुबह ही पसंद है वर्कआउट करना, शाम तक आते आते दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, जब प्रैक्टिस भी होता हूँ तब डबल वर्कआउट करते थे, अभी दोबारा स्टार्ट करनी है, थोड़ा टाइम ऐसे चल रहा है तो उसकी वजह से मैं कर नहीं पा रहा, लेकिन ट्राई करेंगे कि दोबारा से रिदम में आने की।